ओके, तो फिर आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है आपका क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, तो ये जो क्रिएटिव राइटिंग है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर पे। तो क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। क्रिएटिव राइटिंग मतलब वो होता है जहाँ पे हम लोग अपना क्रिएटिविटी शो करें राइटिंग के थ्रू। तो अगर कोई डेफिनेशन अगर लिखना चाहता है क्रिएटिव राइटिंग पे क्या होते हैं या नहीं होता है, तो वो लिख सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग मतलब इट्स अ राइटिंग, इट इज़ अ राइटिंग वेयर वी कैन एक्सप्रेस, वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स इन अ ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल वे, इन अ ट्रेडिशनल वे, दैट इज द पर्पस, इन अ ट्रेडिशनल वे द पर्पस ऑफ क्रिएटिव, द पर्पस, इसका जो पर्पस है, द पर्पस ऑफ क्रिएटिव, ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, द पर्पस ऑफ द क्रिएटिव राइटिंग इज टू बोथ एंटरटेन, एंटरटेन एंड शेयर ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन एक्सपीरियंस। ठीक है, द पर्पस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग इज टू बोथ एंटरटेन एंड शेयर ह्यूमन एक्सपीरियंस। ठीक है, लाइक जैसे हो गया आपका लव और लॉस। ठीक है, मतलब ये राइटर्स क्या करते हैं, मतलब जो कोई भी अगर चीज़ वो लोग लिखते हैं अपने क्रिएटिव, अपने एनालिटिकल थिंकिंग को यूज़ करके, जो भी वो लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो वो क्रिएटिवनेस दिखाई देगा कि वो राइटर कितना क्रिएटिव है, कितना इनोवेटिव है, कितना अपने थिंकिंग को एनालिसिस करके एक अच्छा कंपोज कर सकते किसी भी एक टॉपिक के ऊपर। तो ये बेसिकली क्रिएटिव राइटिंग जो है ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ये क्रिएटिव मतलब अपने अंदर जो आपका जो क्रिएटिव है वो क्रिएटिव आपको बढ़ाना पड़ता है। तो ये जो क्रिएटिव राइटिंग है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग होता है। जैसे आपका है, मैं दिखाना चाहता हूँ, टाइप्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। टाइप्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग में आपका होता है ये क्रिएटिव राइटिंग, आप दिखा देगा पोइट्री पे, पोइट्री पे आपको दिखाएगा, फिर आपको दिखाएगा प्लेस पे, फिर आपको दिखाएगा मूवी एंड टेलीविजन स्क्रिप्ट्स पे, टेलीविजन स्क्रिप्ट्स पे दिखाएगा, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे सॉन्ग्स के ऊपर मिलेगा आपको। हाँ बोलो बोलो। पर्पस के सर ऊपर, मतलब इससे पहले वाले पैराग्राफ में क्या लिखे हैं? ये वाला देखो, इट इज़ अ राइटिंग वेयर वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स इन अ ट्रेडिशनल वे। ठीक है, सर उसके नीचे वाली लाइन, द पर्पज ऑफ क्रिएटिव राइटिंग इज टू बोथ एंटरटेन, एंटरटेन एंड शेयर ह्यूमन एक्सपीरियंस। ठीक है, यस सर। ओके, मतलब ह्यूमन एक्सपीरियंस को हम लोग दर्शाते हैं क्रिएटिव राइटिंग के थ्रू, हमारे अंदर पे क्या फीलिंग्स है या नहीं है। तो ज़्यादातर देखा जाता है पोएट्री पे ये क्रिएटिव राइटिंग का यूज़ बहुत होता है। फिर जो मूवी एंड टेलीविजन स्क्रिप्ट्स है वहाँ पे भी आपको क्रिएटिव राइटिंग दिखने को मिलता है। फिर जो आपका स्पीच होता है, जो लोग स्पीच देते हैं ना, भाषण देते हैं, स्पीचेस, वहाँ पे भी बोलने के टाइम पे वो लोग क्रिएटिव थिंकिंग लगा के उसको मैचिंग करते हैं, ताकि सुनने वाले को अच्छे से समझ पे आ जाए, वो लोग अपने मतलब क्रिएटिवनेस को दिखा पाए, जो उसके अंदर कितना टैलेंट है, या फिर इसको कैसे इंग्लिश पे कैसे कंपोज किया जा सकता है, वो सारे चीज़ हम लोग क्रिएटिव राइटिंग पे दिखाते हैं। हमारे सबके अंदर क्रिएटिवनेस होता है, लेकिन सिर्फ कैसे हम लोग को पता चलेगा हमारे अंदर क्रिएटिव है या नहीं है। कभी भी तुम देखो जो लोग शायरी बनाते हैं ना, शायरी,
शायरी तो सब लोगों ने सुना होगा, जो शायरी पे क्या होता है वो लोग अपना क्रिएटिवनेस दिखाते हैं, क्योंकि वो लोग खुद से कुछ ना कुछ चीज़ के ऊपर अपना एक शायरी बनाते हैं जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और साथ में जिसको सुनाते हैं वो एंटरटेन होते हैं। तो इसका मतलब है जो जो बोल रहे हैं शायरी, उसके अंदर क्रिएटिविटी है शायरी के ऊपर, इसलिए वो अच्छे से उसको बता सकते हैं, ठीक है, और ये सुनने में बहुत अच्छा भी लगता है। तो इसी तरह से जो लोग पोएट्री लिखते हैं, जो पोएट है वो लोग क्या, जो कवि है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने क्रिएटिवनेस को दिखा के पोएट्री कंपोज करते हैं किसी भी के ऊपर। उनको आप अगर बताओगे, एक एक सिचुएशन क्रिएट कर दोगे, मान लो एक नदी है, एक पर्वत है, एक पेड़ है, एक बहुत सारा एक बगीचा है जहाँ पे फूल हरीली रंगीली से भरा हुआ है, तो अगर वो पोएट पोएट कंपोज करता है तो वो क्या करेगा ना, उसी चीज़ को मिला के एक सुंदर सा एक पोएट्री बना देगा। तो इसका मतलब है उसने नेचुरल चीज़ों को अपने क्रिएटिव में ला के उसने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो उसका क्रिएटिवनेस पोएट्री पे दिखा दिया, मतलब पोएट्री के थ्रू उसने अपने अंदर जो क्रिएटिवनेस है, जो इनोवेटिव थिंकिंग है, कैसे हम लोग इसको बनाए या फिर कैसे हम लोग एक सुंदर पोएट्री को लिखे एक नेचुरल ब्यूटी के ऊपर, तो वो क्रिएटिवनेस उस पोएट्री में उसने दिखा दिया है। उसी तरह से जो मूवी होते हैं, मूवी में भी आप लोग देखोगे जो ट्रेलर होता है वहाँ पे भी क्रिएटिवनेस चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई सीन हो या नहीं हो जहाँ पे हमें मतलब क्रिएटिवनेस शो करना पड़ता है ट्रेलर के टाइम पे, ठीक है। तो ये क्रिएटिवनेस अपने आप बिल्डअप हो जाएगा जैसे आप लोग नए नए चीज़ को जानोगे, नए नए कोई पोइट्री पढ़ोगे, नए नए कोई स्पीच सुनोगे ना, तो अपने अंदर खुद से खुद क्रिएटिविटी निकल के आ जाएगा। क्रिएटिविटी एक टैलेंट है एक एक तरह से, ठीक है। छोटे छोटे नोवेल्स होते हैं उसमें भी क्रिएटिवनेस शो किया जाता है। तो ये एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पे पोएट्री, अगर आपको कोई बोला आप एक पोएट्री कंपोज करो, तो आपके अंदर अगर पोएट्री कंपोज करने का क्रिएटिवनेस नहीं होगा तो आप क्रिएटिविटी बना नहीं पाओगे उस पोएट्री पे, ठीक है। तो टेक्निक क्या क्या होता है, क्रिएटिव राइटिंग का जो टेक्निक्स है वो क्या क्या होता है? तो टेक्निक्स, TECH, टेक्निक्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, टेक्निक्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, टेक्निक्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग पे क्या होता है, एक होता है नहीं सॉरी टेक्निक्स यूज्ड इन क्रिएटिव राइटिंग, टेक्निक्स ऑफ नहीं, टेक्निक्स यूज्ड इन क्रिएटिव राइटिंग। सो सबसे पहले जो टेक्निक होता है वो आपका होता है कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका, होता है पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ टेक्निक्स, ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ऐसे तो बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं क्रिएटिव राइटिंग पर जो यूज़ होते हैं, लेकिन ये सारे जो मैं अभी बता रहा हूँ ये बहुत ही हाईलाइटेड किया हुआ चीज़ है। फिर आपका है डायलॉग, मतलब डायलॉग का भी इस्तेमाल क्रिएटिव राइटिंग पे किया जाता है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। उसके बाद होता है आपका इमेजिनेटिव लैंग्वेजेस, इमेजिनेटिव लैंग्वेजेस, इमेजिनेटिव लैंग्वेजेस मतलब जो हम लोग इमेजिन करके कोई भी एक लैंग्वेज को बना सकते हैं, कोई भी एक वर्ड को इमेजिन करके हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे उसको, ठीक है। फिर होता है आपका डिस्क्रिप्शन, हेवी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, हेवी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, हेवी डिस्क्रिप्शन होता है। तो ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे, पोएट्री मिलेंगे जहाँ पे एक सॉन्ग्स मिलेंगे जहाँ पे सॉन्ग्स और पोएट्री दोनों को कंबाइन करके एक क्रिएटिवनेस को दिखाया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही है जो पोएम हम कोई भी हम पोइट्री पे देखते हैं, तो पोइट्री पे क्या होता है, पोइट्री पे हम लोग वहाँ पे जो आपका जो पोएम है उसमें जो राइटर है वो लोग अच्छे से इसको डिफाइन करता है। आप कोई भी पोइट्री आप देखोगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा,
ठीक है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, ये पोइट्री तो आपने सभी सभी ने सुना होगा। ये जो पोइट्री है नेचुरल ब्यूटी को लेके ही किया गया है, ठीक है। फिर आपका है जो शॉर्ट स्टोरी होता है ना, शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी में भी इसका यूज़ किया जाता है। शॉर्ट स्टोरी जो होते हैं, शॉर्ट स्टोरी, ये एक 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 कह सकते हो, एक समरी भी इसको कहा जा सकता है। मतलब एक बड़ा सा स्टोरी को उसको उसने शॉर्ट बना दिया, मतलब समरी कर दिया। तो शॉर्ट स्टोरी में भी ये लगभग 750 वर्ड्स का होता है, 750 वर्ड्स, ठीक है। तो शॉर्ट स्टोरी ये 750 वर्ड्स का होता है, तो शॉर्ट स्टोरी में भी आपको ये क्रिएटिवनेस दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जब भी हम लोग कोई शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं तो वहाँ पे आपको जो प्लॉट डायग्राम है या फिर जो स्केचेस है, राइजिंग एक्शन है, क्लाइमेक्स है, फेलिंग एक्शंस है एंड रेजोल्यूशंस है, उन सारे चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए फिर आपको शॉर्ट स्टोरी नैरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे चीज़ें हम लोग देखे हैं और आगे भी आप लोग देखोगे। आप जितने भी आप नेट पे भी सर्च करके आप देख सकते हो वहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर क्या क्या टॉपिक्स है या नहीं है। और क्रिएटिवनेस, क्रिएटिव राइटिंग एक बहुत ही मतलब जहाँ पे भी जाओ हर जगह क्रिएटिव के ऊपर ही काम किया जाता है। जो हम लोग देखेंगे आगे जो इंग्लिश ग्रामर पे होता है आपका पोस्टर मेकिंग, ठीक है। पोस्टर मेकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ग्रामर में, पोस्टर मेकिंग। फिर आपका होता है नोटिस राइटिंग, ठीक है, नोटिस राइटिंग। ये सारे चीज़ेस में भी आपको क्या मिलेंगे, क्रिएटिवनेस को दिखने को मिलेगा। हालांकि ये एक सेपरेट टॉपिक होता है, ये भी एक सेपरेट टॉपिक होता है, लेकिन इसमें भी आपको क्रिएटिवनेस देखने को मिलेगा। तो बेसिकली क्रिएटिव थिंकिंग अपने अंदर से क्रिएट करना पड़ता है, सबके अंदर क्रिएटिवनेस होता है क्रिएटिव राइटिंग में, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को हमें ठीक से, जो ग्रामेटिकल एरर होता है ना, ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग में अगर आप लोग ग्रामेटिकल एरर करोगे तो वो ग्रामेटिकल एरर होने से क्रिएटिवनेस दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे एरर फ्री होना पड़ेगा, जो भी आप लोग लिखोगे ग्रामेटिकल एरर बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए क्रिएटिव राइटिंग पे, ठीक है। और कुछ भी स्टोरी आप लिख लो, जैसे क्रिएटिवनेस हम लोग देख सकते हैं जो एक पोइट्री होता है ना, जैसे मैंने कोटेशन दिया है, कोटेशन लिखा है जैक एंड जिल। मैं एक पोइट्री, अब मैं पोइट्री का जो एक मेन पार्ट होता है वहाँ पे क्रिएटिवनेस कैसे होता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पोइट्री पे भी। सो पोइट्री पे क्या होता है, इन पोइट्री पे क्या होता है, इन पोइट्री पे बेसिकली क्रिएटिवनेस रिफ्लेक्ट्स दी राइटिंग प्रोसेस, ठीक है। फिर ये क्या करता है, एक्सप्लोर एक्सप्लोर दी टेक्निक्स, एक्सप्लोर द टेक्निक्स यूज इन द पोएम, यूज इन द पोएम, ठीक है। लेकिन जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट एक नोट है, पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू ये एक टर्मिनोलॉजी होता है, एक साथ ही हम लोग इसको डिफाइन करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। ये पॉइंट ऑफ व्यू मतलब अपने इमेजिनेटिव जो थिंकिंग है उसके उसको थिंकिंग के प्रोसेस में डालते हुए हम लोग कैसे एक चीज़ को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, मतलब उसके ऊपर हमारा पॉइंट ऑफ थिंकिंग, पॉइंट ऑफ एनालिसिस, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मतलब वो हम लोग कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। एक कोई भी एक सीनरी हो गया या कोई भी एक सीन हो गया, जहाँ मुझे जितना तक समझ में आता है, मैं सबके अंदर पे एक अंडरस्टैंडिंग होता है, एक कॉमन सी चीज़ दिखाने के बाद सबके अंदर पे एक इंटरेस्ट ग्रो करता है, मुझे ये चीज़ पसंद हुआ, मुझे ये चीज़ पसंद हुआ, मुझे वो चीज़ पसंद हुआ, तो
तो सबके अंदर पे एक इंटरेस्ट ग्रो होता है, तो उसी इंटरेस्ट के ऊपर ही हमारे इमेजिनेटिव को क्रिएट होने में आसानी होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है, व्यू पॉइंट जो है, उसके ऊपर हम लोग अपना क्रिएटिवनेस क्रिएट करते हैं, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ होता हो सकता है। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू सही होना चाहिए, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एक सनराइज़ का एक सीन, मॉर्निंग सनराइज़ का एक सीन हो रहा है, हमने देखे है, तो पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा वो आपको खुद से आपको क्रिएट होना पड़ेगा। मॉर्निंग सनराइज़ में पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग ये कह सकते हैं, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सन का जो कलर ये चेंज हो रहा है, और ये मतलब जैसे जैसे ऊपर निकल रहा है उसका जो किरण है वो धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है आसमान में, और चारों ओर रेडिश ऑरेंज का एक पैटर्न फॉर्मेशन होगा जो बहुत ही सुंदर हो रहा है। ये मेरा सनराइज़ का पॉइंट ऑफ व्यू है। इसी तरह से सबका भी एक एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, किसी को डिफरेंट वे पे एक्सप्लेन करेंगे, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू जिसका जितना अच्छा होगा उससे ही उतना क्रिएटिवनेस बढ़ जाएगा, मतलब वो पोएट्री फेमस हो जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ व्यू उसने जो डाला है वो एक फेवरेट हो गया है, मतलब सबको पसंद आ गया, इसीलिए वो पॉइंट ऑफ व्यू मतलब सबको अच्छा लगा है। तो पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोग ये प्रैक्टिस से होगा, एक एक दिन पे नहीं होता ये पॉइंट ऑफ व्यू, एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस करते हैं, ठीक है, हर एक और ये डेवलप होने में आपको जो काम करना है पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, सो हाउ टू डेवलप, हाउ टू डेवलप पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ टू डेवलप पॉइंट ऑफ व्यू। तो पॉइंट ऑफ व्यू को डेवलप करने के लिए सबसे है आपका इंक्रीज, इंक्रीज योर थिंकिंग पावर, थिंकिंग पावर, इंक्रीज योर थिंकिंग पावर, देन इम्प्रूव, इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग, इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिर है आपका क्रिएट योर ओन इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन पावर, क्रिएट योर ओन इमेजिनेशन पावर, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें होता है जिससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांग होगा, किसी भी चीज़ को देखते हुए आपका पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांग करने के लिए ये तीन चीज़ें होता है। इंक्रीज योर थिंकिंग पावर मतलब एक चीज़ को देख के हम लोग कैसे सोचते हैं, वो थिंकिंग पावर आपका इम्प्रूव, इंक्रीज करना पड़ेगा, उसके साथ साथ इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने अंडरस्टैंडिंग को, अपने सोच को, ठीक है। हालांकि ये दोनों सेंटेंस सेम ही थिंकिंग देता है, लेकिन इंक्रीज और इम्प्रूव जो है ये इसमें अंतर होता है। इंक्रीज मतलब हम लोग कैसे इम्प्रूव करें, जैसे ही हम लोग हमारा थिंकिंग पावर अगर इंक्रीज हो जाता है उसी दौरान हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि थिंकिंग मेरा बढ़ रहा है और अंडरस्टैंडिंग में मतलब हम लोग किसी चीज़ को देख के क्या समझ में आया, कितना जल्दी समझ में आता है, ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करने में टाइम समय देता है, मतलब वो थिंकिंग पावर इंक्रीज होगा तभी आपका अंडरस्टैंडिंग जो पावर है वो इम्प्रूव होगा। फिर ये है कि इमेजिनेशन पावर, इमेजिनेशन पावर मतलब कितने दूर तक हमारे मन को हम आगे ले जा सकते हैं, कितने दूर तक हम आप एक चीज़ को देख सकते हैं, कितने दूर तक हम उसको क्लियरिटी देख सकते हैं, कितने क्लियरिटी के साथ हम लोग उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो ये जो पोएट होते हैं, जो लोग कवि है, वो लोग का ये तीन चीज़ मतलब बहुत ही बेहतर रहता है, इसलिए वो किसी भी चीज़ को देखते हुए वो आराम से पोएट को डिफाइन कर सकता है, मतलब उसके लिए अलग से कोई ये नहीं चाहिए, वो लोग आराम से उसको देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई यस सर, डाउट है? मैं स्क्रीन शेयर करूँ दोबारा से, आप लोग एक बार देख लो आराम से, अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछना,
किसी को कोई डाउट है मैंने जो दिखाया है या फिर बताया है? सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, कोई किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? किसी? क्या हाँ बोलो। जो छूट चुका है पीछे वाला वो कैसे लिखेंगे? क्या छूटा है मुझे बताओ, जरा अच्छा से बताओ। पिछले क्लास में हम नहीं थे, नहीं कर पाए थे सर, अच्छा तो मैं, ये तो रिकॉर्डिंग है ना, ये रिकॉर्डिंग वो मैं छूट तो, गया और आज का भी शुरू किया हाँ तो ये रिकॉर्डिंग है तो मैं रिकॉर्डिंग सर। अपलोड ये करता वाला हूँ। रिकॉर्डिंग अपलोड मैंने सब जितने भी क्लासेस होते हैं उसका रिकॉर्डिंग है, होते हैं, मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ और उसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा, ये रिकॉर्डिंग का लिंक ग्रुप में ही डाल दूँगा। जी सर, कल वाला और आज वाला डाल दीजिएगा। ओके ठीक है, मैं कल वाला और आज वाला मैं डाल दूँगा। ठीक है, मैं क्लास ख़त्म होने के बाद ही डालूँगा क्योंकि रिकॉर्डिंग होने के बाद ना वो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, टेक्निकल चीज़ें होते हैं तो यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग पे टाइम लगता है, इसलिए टाइम देना पड़ता है और नेटवर्क का भी थोड़ा अगर स्पीड है तो अच्छा है। ठीक है, तो आज जितने भी हम लोग क्लास करेंगे ना, शाम के टाइम पे भी आपका है, वहाँ पे हम लोग ग्रामर में थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे, आज ग्रामर पे कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, ये भी एक जो क्रिएटिव राइटिंग है, ये भी एक छोटा सा ग्रामर का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि ग्रामर सब चीज़ों से बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट